ऑप्शन है कंडक्ट वाटर मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है रूट से लीव्स तक प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करता है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है सॉल में से या फिर प्लांट की एंकरिंग करता है प्लांट की एंकरिंग में हेल्प करता है तो ये जो पार्ट है पहले तो इसको आइडेंटिफाई करते हैं ये पार्ट क्या है स्टेम होता है स्टेम होता है प्लांट का स्टेम के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं फंक्शंस मेन फंक्शन ऑफ स्टेम क्या क्या फंक्शन है सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है कंडक्शन क्या कंडक्ट कराता है ये वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन कराता है कहाँ से कंडक्शन करवाता है रूट से लीफ तक पहुंचाता है रूट से लीव्स तक पहुंचाता है वाटर एंड मिनरल को लीफ क्या करती है लीव इनके थ्रू बनाती है फूड और वापस भेज देती है किसमें स्टेम में स्टेम जो होती है इसी फूड को फिर अदर ऑर्गन्स में जो अदर ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के उनमें कंडक्ट करवा देती है तो ये फूड का भी कंडक्शन करती है वाटर एंड मिनरल का भी कंडक्शन करती है स्टेम और इसका एक और मेन फंक्शन होता है वो होता है एलिवेशन एलिवेशन किसको एलिवेट करने में हेल्प करती है ये जैसे प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स इन सबको एलिवेट करने में हेल्प करती है ताकि इनको प्रॉपर सनलाइट मिले सनलाइट प्रॉपरली मिले जैसे जो फ्रूट्स होते हैं उनका डिस्पर्जन ढंग से हो डिस्पर्जन ढंग से हो जाए जो पॉलन्स हैं उनका डिस्पर्जन ढंग से हो तो इसलिए एलिवेशन में भी हेल्प करती है स्टेम तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो लेबल पार्ट है इसका फंक्शन क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल को रूट से लीव्स में बिल्कुल करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है अदर को देखते हैं ऑप्शन टू में बोला गया है प्रिपेयर फूड बाय तो फूड जो प्रिपेयर करता है वो लीव्स करती है विद द हेल्प ऑफ फोटो सिंथेसिस वाटर एब्सॉर्ब करता है सोइल से कौन रूट्स क्योंकि रूट्स ही होती है जो सॉइल में प्रेजेंट होती है तो वाटर और मिनरल भी रूट्स से एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से